22 मार्च 2020, लॉकडाउन का पहला दिन। आईने में दिखने वाला ये शख्स मैं हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ वारिक। ये है मेरे कुछ कपड़े, ये कुछ किताबें हैं। जबकि मैं एक राइटर हूँ, मुझे इनकी जरूरत पड़ती है। बैग्स, एयर कूलर और एक कुछ बिस्किट पैकेट्स हैं। ये है मेरा पूरा कमरा, जहाँ मुझे लॉकडाउन का वक्त और उसका पालन करते हुए गुजारना है। देर रात तक मैं अपने स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। कमरे में अकेले देर रात तक काम करने का मजा ही कुछ अलग आता था मुझे, और मैं बहुत देर तक जाग कर मैं अपने काम पे बहुत फोकस रखता था। फिर कमरे में मौजूद ग्लास अपने आप जमीन पर गिर गया, जिसके वजह से मैं बहुत डर गया था। जब मैंने उस ग्लास को छूने की कोशिश की तो वो ग्लास अपने आप चलने लग गया, जिसके कारण मैं और भी ज्यादा डर गया था। जाहिर सी बात है कि अगर एक बंद कमरे में किसी इंसान के साथ में ऐसा होता है तो वाकई ही बहुत डर जाता है। बहुत डरते हुए मैंने उस ग्लास को हाथ में पकड़ा। फिर मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई और है। मुझे मन ही मन में बहुत डर था, फिर भी मैं अपने डर को दिखा नहीं रहा था, क्योंकि एक अकेले इंसान का डर दिखाने की वजह उसकी मौत का बुलावा हो सकता है। लॉकडाउन के 3 दिन बाद 25 मार्च 2020 की रात को मुझे बहुत भूख लगा हुआ था, मगर मेरे पास खाने का कोई साधन नहीं था। भूख की वजह से मैं बहुत दुखी हो चुका था। फिर जब मैं अपने भूख को नहीं मिटा पाया तो मुझे खुद से महसूस हो रहा था कि मैं बेहोश होने वाला हूं, और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मैं नींद से उठा तब तक मेरा भूख मिट चुका था। फिर जब मैंने अपने सामने खाना देखा तो मैं हैरान रह गया। दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अंदर से ही बंद था। मैं बहुत तेजी से खाना खाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि एक भूखे इंसान को खाना मिलने पर वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता। भूख मिटने पर मैं फिर से अपने स्क्रिप्ट पर काम करने लगा था। देर रात होने पर मैं सो गया। फिर मुझे सपने में लगा कि कोई मेरे पास सोया है। फिर जब मैं उसके ऊपर हाथ डालने गया तो गायब हो गया। पूरी रात में एक सपने से होकर गुजर रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरे सपने में क्या हो रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं नींद में था। जब मैं बहुत डर कर उठ गया तो मैं अपने आसपास देखने लग गया। एक भयानक डर से गुजरने के बाद इंसान की हालत बहुत बुरी हो जाती है। मेरे शरीर से पसीने छूट रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं धीरे धीरे शांत हो गया। फिर मैं अपने आसपास महसूस करने लग गया कि मुझे क्या हो गया। मुझे सपने में तो कुछ और ही नजर आ रहा था। जब मैंने आँख खोला तो मैं जैसा था वैसा ही था।
फिर मेरे सामने अचानक से किताब गिर गया, जिसकी वजह से मैं और भी बहुत डर कर पीछे हो गया। फिर मैं अपने आसपास देखने लग गया कि ये हो क्या रहा है। फिर मैं उस किताब की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वो एक किताब थी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, मगर शायद अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था। मैं बहुत डरा हुआ था, फिर भी मैंने बहुत 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 हिम्मत जुटाकर मैं उस किताब की तरफ देखा और मैं उस किताब को छूने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जब मैंने उस किताब को छुआ तो मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे कोई कुछ कहना चाहता है। देर रात तक मैं किताब पढ़ रहा था। किताब लिखने वाली एक लड़की थी जिसका नाम सरगम था। सरगम ने लिखा था कि वो दिल्ली से मुंबई पढ़ने आई हुई थी। कॉलेज में एक लड़के से प्यार होने पर कुछ महीनों बाद उस लड़के ने सरगम का बलात्कार किया, जिसके वजह से सरगम ने ये किताब लिखकर आत्महत्या की और अब सरगम की आत्मा इसी कमरे में है। लॉकडाउन के कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे सरगम की आत्मा से दोस्ती हो गई। सरगम मुझे एक अच्छा दोस्त मानती थी। हाँ, मैं भी उसे एक अच्छा दोस्त मानता था, मगर मैं लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं एक जिंदा इंसान हूँ और वह एक आत्मा है। हम दोनों की दोस्ती संसार के खिलाफ है। मैं सिर्फ लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहा था। मगर बदकिस्मती से लॉकडाउन अब भी जारी है।